एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आज इनके लिए निर्दलीय डीडीसी उम्मीदवार ए नाजा बेगम शुक्रवार को हाजिन में पार्टी में शामिल हो गई। मतदान के लिए दो सप्ताह से भी कम समय में अपनी पार्टी के लिए एक बड़ी उम्मीद है। शामिल होने का समारोह वरिष्ठ नेताओं इम्तियाज पर्रे और नूर मोहम्मद भट्ट की उपस्थिति में हुआ। इम्तियाज पर्रे ने उनका पार्टी में स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि वह हाजिने की डीडीसी सीट पर सेंध लगाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह 5 दिसंबर को होने वाले निर्धारित चुनावों से पहले पार्टी के लिए बड़ा बढ़ावा है। हमने आज मीटिंग बुलाई थी आज यहाँ पे अपने साथियों के साथ, और इसमें ये आज़ाद कैंडिडेट थी उस समय, और आज ऑफिशियली ये हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगी। इनका जो चुनाव निशान उस समय रहा वही होगा, माना कि ये आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी में शमूलियत होने के बावजूद हम इसमें बड़ी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये सीट हमारे हक में होनी चाहिए और ये नहायत ही काबिल और शरीफ मस्तूरात है। हम चाहते हैं कि ये गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसमें वो क्षमता है, इसमें वो ताकत है कि ये इस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों की खदमत बखूबी कर सकती है। ये तो सियासत में एक कड़ी है, और आज इनकी शमूलियत से हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम मजबूत भी हैं और ताकतवर भी हैं, और इलेक्शन जो है हम अच्छी तरह से लड़ेंगे, कामयाबी से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। मे नाव नाजा हज मान तरफ से ये मैसेज ब्रैलियस इम्तियाज साहबस सम्तियाज पारियस सो मे ओत इलेक्शन मोस यी मे आज तशा तथे कहीं मे तुम ओत सपोर्ट कर तुम ओत हमायत कर तथ कहीं मे तुम आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीनो इंशाल्लाह।